हेलो एवरीवन, लेर्थ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वोकेबुलरी जो आपको सभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, चाहे आप बैंक या SSC या संविदा व्यापम कुछ कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो मैं वोकेब आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस ये जो वोकैब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये एक मूवी के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, जिसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाए। और इसमें आप कुछ पिक्चर वगैरह भी देखेंगे जिसके थ्रू आप इजीली इन वोकैब को याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं वीडियो ख़त्म करूँगा तब तक आपको सारी वोकैब याद हो जाएगी। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इजीली उसका जवाब दे देंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक छोटा सा वीडियो है, और इस वीडियो में एटलीस्ट आपकी 20 से 25 वोकैब क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वोकैब मैंने ली है, मैंने मतलब प्रिपेयर करी है एक मूवी के थ्रू। आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देखी होगी ये मूवी। तो इसमें आपने देखा होगा तीन किरदार रहते हैं, तीन इसमें एक्टर रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे रहता है आपका अक्षय कुमार, और सेकंड नंबर पे आपका रहता है सुनील शेट्टी, और थर्ड नंबर पे आपको बताओ आप बाबूराव, जिसको हम बोलते हैं इस मूवी में, बाबूराव नाम रहता है, परेश रावल। तो इनके थ्रू हम इस वोकैब को याद करेंगे। तो इस मूवी में ये जो तीन टाइप के लोग होते हैं, इसमें सबसे पहला अक्षय कुमार जो आपका होता है, ये होता है एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, वन वर्ड्स फॉर्म में जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, जो पर्सन ऐसा पर्सन जो बहुत अधिक पैसा खर्चा करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट इज द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी। और इसके अगर आपको सिनोनिम पूछे जाए कि इसको सिनोनिम बताइए, तो वो होंगे आपके प्रोडिगल, इसको प्रोडिगल भी बोला जाता है। इसके अलावा स्पेंड थ्रिफ्ट, देन लेविश, एंड लास्ट जो है वो है वेस्टफुल। मतलब ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है। तो वन वर्ड अगर आपका आता है तो हु स्पेंड्स टू मच मनी, तो आपका जवाब होगा एक्स्ट्रा वेगेंट। और एक और इसका सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रोडिगल, एक स्पेंडथ्रिफ्ट, एक लेविश, और जो लास्ट है वो है आपका वेस्टफुल, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन इसके सिनोनिम और वन वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और उसमें ये नाम भी आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि अक्षय कुमार इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन इन हेरा फेरी मूवी। और इस टाइप से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं अगले वर्ड पर। अगला पर्सन जो इसमें होता है, अगला एक्टर, वो होता है आपका सुनील शेट्टी, और शायद इसका नाम श्याम होता है इस मूवी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु स्पेंड्स मनी वेरी इकोनॉमिकली। तो इस मूवी में सुनील शेट्टी जो होता है वो एक तरह से फ्रूगल पर्सन होता है। फ्रूगल मतलब कि जो पैसे खर्चा करता है बट बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता है। तो इस पर्सन को, इस टाइप के पर्सन को हम बोलते हैं फ्रूगल। तो हु स्पेंड्स मनी वेरी इकोनॉमिकली, जो बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से पैसा खर्चा करता है उसको बोला जाता है फ्रूगल। और फ्रूगल के अगर आपसे सिनोनिम पूछे जाए तो वो आपका हो जाएगा थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, और एक और हो जाएगा सेविंग। तो इसमें जो खास वर्ड हैं वो है आपके एक तो फ्रूगल, और दूसरा जो वर्ड है वो आपका थ्रिफ्टी। तो इसके थ्रू आप इजीली इन दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए हु स्पेंड्स मनी वेरी इकोनॉमिकली, तो आपका जवाब होगा फ्रूगल या थ्रिफ्टी, ठीक है। और अगर फ्रूगल का सिनोनिम पूछा जाए तो थ्रिफ्टी, और थ्रिफ्टी का पूछा जाए तो फ्रूगल। और इसी टाइप से इकोनॉमिकल और सेविंग भी इसके सिनोनिम होते हैं। तो हम मूव करते हैं अगले वर्ड पर। आपका जो अगला वर्ड है वो है परसिमोनियस। सो नेक्स्ट आपका जो इसमें एक्टर होता है परेश रावल, ये बहुत ही परसिमोनियस टाइप का पर्सन होता है। परसिमोनियस किसे बोला जाता है, तो हु ट्राइज टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल, मतलब जब भी कभी पॉसिबल होता है, ऐसा आदमी जो पैसे बचाने की कोशिश करता है हमेशा, जब भी कभी पॉसिबल होता है पैसा बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं परसिमोनियस। सो परसिमोनियस इज द पर्सन हु ट्राइज टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सिनोनिम, तो इसके सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड स्टिंगी, स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, परसिमोनियस, और दूसरा आपको ऑलरेडी पता है माइजर, और थर्ड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड से मीनिंग सेम होता है परसिमोनियस।
आप इनको सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो वो आपको इजीली याद रहेंगे, और आप इस पूरी मूवी के जो जितने मैंने वोकैब बताई इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि यस्टरडे आई सॉ अ मूवी एंड विच नेम इज़ हेरा फेरी, इन दिस मूवी देर आर थ्री एक्टर्स। इस टाइप से आप पूरी अगर मूवी को लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो इजीली आपकी इंग्लिश में भी थोड़ा सा सुधार आएगा, आप अनसीन पैसेज को रीड करने के एबल हो जाओगे। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, परसिमोनियस इज द पर्सन हु ट्राइज टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल। इसके सिनोनिम अगर आपसे पूछे जाएं तो वो आपका होगा स्टिंगी, माइजर, क्लोज फिस्टेड। और अगर आपको किसी को बोलना है कि यार तू बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यू आर वेरी क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो क्लोज फिस्टेड इज अ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड दैट मीन्स परसिमोनियस, ट्राई टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल। आई थिंक ये सारे वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी टाइप की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं जल्दी आपके लिए इस टाइप की वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।